हरिओम मित्रों, मैं हूं समय। कहते हैं मुझसे बड़ा कोई मित्र नहीं और मुझसे बड़ा कोई शत्रु भी नहीं है। मैं जिसके पास हूं उसका तो बड़ा नाम है और जिसके साथ नहीं हूं उसके लिए तो जीना हराम है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए मैं रहूं या नहीं रहूं वो कभी मुझे दोष नहीं देते, बल्कि वे तो हमेशा पुरुषार्थ करते रहते हैं और अपने दम पर इतिहास रच डालते हैं। आज मैं ऐसे ही एक महान शूरवीर और प्रतापी राजा की कहानी आपको सुनाऊंगा, जिनके आगे लोग तो लोग देवता भी नतमस्तक होते थे। वो थे महाराजा विक्रमादित्य। क्या आप उनकी कहानी सुनना चाहते हैं? हाँ हाँ, मुझे सुननी है कहानी। ये आवाज कहाँ से आई? कौन हो भाई? अरे मैं कौन? मैं वही जिसके मित्र की कहानी आप सुनाने वाले हैं। मतलब? जिसका मित्र करे बड़े बड़े कमाल, मैं हूँ वही बेताल। अच्छा, तो बेताल तुम हो? हाँ, मैं बेताल हूँ। आप मेरे मित्र की कहानी सुनाने वाले हैं तो मैं कैसे चुप रहता? मुझे तो आना ही था। वैसे आज आप राजा विक्रमादित्य का कौन सा किस्सा सुनाने वाले हैं? बेताल, तुमने राजा विक्रमादित्य के कई रूप देखे हैं। तुमने उन्हें कभी श्रेष्ठ न्यायकर्ता के रूप में देखा, तो कभी वीर योद्धा के रूप में, कभी प्रजापालक के रूप में, तो कभी दया, क्षमा, करुणा और दानवीर राजा के रूप में। परंतु क्या तुम जानते हो उसके जीवन में ये सभी सद्गुण कहाँ से आए? कहाँ से आए? बताओ, तुम ही बताओ कहाँ से आए? ये सद्गुण उन्हें प्राप्त हुए सच्चे सुख में रहने के कारण। राजा होने के बाद भी उनके पास सच्चा सुख नहीं था क्या? तुम केवल शारीरिक सुख भोग विलास को ही सच्चा सुख मानते हो क्या? हाँ। ऐसी बात नहीं है। सच्चा सुख तो आत्मा में विश्रांति पाने से आता है और वो विश्रांति राजा विक्रमादित्य ने अपने मनुष्य जन्म में प्राप्त की है। श्रीमान, अपनी बातों को गोल गोल ना घुमाएं, कृपया रहस्य से पर्दा हटाएं। ठीक है, तो चलो चलते हैं सम्राट विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन, जहां आज साक्षात माता लक्ष्मी, माता पार्वती और माता सरस्वती पधारने वाली हैं। बेताल, एक दिन माता लक्ष्मी, माता पार्वती और माता सरस्वती के बीच स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने की होड़ लग गई। फिर क्या हुआ ये तुम स्वयं ही देख लो। ऐसा क्या है इस संसार में जो मेरे द्वारा प्राप्त नहीं होता? धन है तो सब कुछ है, अन्यथा कुछ भी नहीं। इसलिए लोग मुझे ही श्रेष्ठ मानते हैं। धन हो परंतु शक्ति ना हो तो धन का क्या औचित्य? धन को तो लूट ले जाते हैं लोग। धन की रक्षा तो शक्ति से ही होती है, इसीलिए मैं शक्ति ही श्रेष्ठ हूँ। परंतु विद्याहीन मनुष्य को धन और शक्ति दोनों मिल जाए और उसे धन और शक्ति के उपयोग करने का ज्ञान ही नहीं हो तो दोनों व्यर्थ है। इसीलिए विद्या का होना परम आवश्यक है। अतः श्रेष्ठ तो विद्या ही है, यानी आप दोनों से मैं सर्वोपरि हूँ। हे विश्रांति देवी, अब आप ही इस उलझन का समाधान कीजिए। हे देवियों, इस तरह आपस में उलझने से कोई हल प्राप्त नहीं होगा। पृथ्वी लोक पर एक ऐसे बुद्धिमान राजा है
जिनकी ख्याति देवलोक तक है। उनका नाम है सम्राट विक्रमादित्य। वे अपने आत्मसुख में निमग्न रहते हैं और वे बड़े न्यायप्रिय हैं। तो क्यों ना हम उन महान सम्राट से ही पूछें कि श्रेष्ठ कौन है। ठीक है, चलिए। सम्राट विक्रमादित्य राजकाज की गतिविधियों, प्रजा और सैनिकों के कोलाहल से दूर एक उद्यान में विश्राम कर रहे हैं। हे विक्रमादित्य, सभी मातृ स्वरूपा देवियों को मेरा प्रणाम, आपका स्वागत है। आप स्वयं मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करने आई, यह मेरा परम सौभाग्य है। कृपया मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताएं माते। हे राजन, हम आपके पास न्याय हेतु आए हैं। न्याय? कैसा न्याय? राजन, इन तीनों देवियों में कौन श्रेष्ठ है इस बात का निर्णय नहीं हो पा रहा है। आपकी ख्याति देवलोक तक है और आप न्यायप्रिय राजा हैं। आप सत्यवक्ता हैं, पक्षपात रहित न्याय करते हैं, अतः आप ही इस बात का न्याय कीजिए। हे माते, मैं तो पृथ्वी लोक का सामान्य मनुष्य हूँ, फिर मैं आप देवियों का न्याय कैसे कर सकता हूँ? राजन, आप भले ही पृथ्वी लोक के वासी हैं, परंतु आपको ब्रह्मवेत्ता गुरुओं का कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ है। आपकी अलौकिक क्षमताएं विकसित हुई हैं, इसीलिए आप श्रेष्ठ न्याय कर सकते हैं। ठीक है माते, आप सबकी जो आज्ञा। शायद इतिहास इसी बात का साक्षी होने वाला है कि हे मनुष्य, तुम चाहो तो ब्रह्मज्ञानी गुरुओं की कृपा से इतने महान बन सकते हो कि देवताओं को भी मदद कर सकते हो। इसलिए कभी अपने को दीनहीन लाचार मत समझो। हे माते, आप सब अपना अपना कुछ प्रभाव या चमत्कार दिखाइए जिससे आपकी श्रेष्ठता सिद्ध हो सके। मैं आज राजकाज के काम से बहुत थका और उबा हुआ हूं। कुछ ऐसा कीजिए कि मुझे सुख और शांति की अनुभूति हो, मेरी आत्मशक्ति विकसित हो। राजन, मैं लक्ष्मी देवी आपको इतना धन दूंगी कि आपके राज्य में जितना धन वैभव है वो दुगना हो जाएगा। राजन, आप भावना कीजिए, आप बहुत धनवान हो रहे हैं। खूब धन वैभव अथा संपत्ति आ रही है, जिसका न कोई यार है न कोई पार। वैभव दुगना चौगना हो जाए, मगर जो पहले से ही इतना धन है उसको संभालने की जो थकान है वह ही नहीं उतरी है, तो और धन का मैं क्या करूंगा माते। हे राजन, आप विद्या का आश्रय लीजिए। विद्या जहाँ है वहाँ तो धनवान भी शीश चुकाते हैं। आपके पास अपार विद्या आ रही है, आप विद्यापति हो रहे हैं। खूब विद्या, खूब विद्या, अखूट विद्या, आप विद्यावान हो रहे हैं। आप सुखी हो रहे हैं क्योंकि आपके जैसा विद्या संपन्न दूसरा कोई नहीं। माते, जो विद्या पहले पाई है और जो अब मिलेगी, उससे भी मेरी थकान तो दूर नहीं हो रही है। मुझे सुख और शांति का अनुभव नहीं हो रहा है। क्षमा कीजिए माँ, मेरे मन की अशांति दूर नहीं हो रही है। हे विक्रम, आपके जैसा शक्तिशाली कोई नहीं। आपके आगे सब नतमस्तक है। संसार में ऐसा कोई नहीं जो आपका सामना कर सके। आप इतने बहादुर और निडर हो, असीम शक्ति के भंडार हो। मैं आपको और अधिक शक्तिशाली बना रही हूँ। आप निश्चिंत हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं। माते, आपके इतने प्रयासों के बाद भी मुझे चित्त की शांति प्राप्त नहीं हुई। पहले ही मेरे पास बल और शक्ति विद्यमान है, और अधिक भी मिल जाए तो भी इस क्षण शांति प्राप्त नहीं हो रही है। माते, आप सबकी कृपा से मुझे पहले से ही धन, विद्या और शक्ति प्राप्त है। इससे मुझे शांति और सच्चा सुख
प्राप्त नहीं हुआ। अब आप ये चीजें और भी मुझे दे देंगी तो क्या हो जाएगा? जिम्मेदारी और थकान ही बढ़ेगी। महोदय, ये तीनों महादेवियाँ राजा विक्रमादित्य को सुखी नहीं कर पाई, ये कैसा रहस्य है? अरे, कथा का अंत होना अभी बाकी है, आगे देखते जाओ। तीन देवियों ने अपना अपना प्रभाव दिखाया, अभी एक और बाकी है। हे विश्रांति देवी, हम तो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाई, आप ही अपना कुछ प्रभाव दिखाइए। हे राजन, इस चाह को छोड़ दीजिए कि मुझे कुछ मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। आप शक्ति संपन्न, श्री संपन्न और विद्वान भले हो जाओ तो क्या हो जाएगा? मृत्यु के समय सब छोड़ना पड़ेगा। जहाँ से लक्ष्मी, विद्या और शक्ति को भी सत्ता मिलती है, उसमें डूब जाइए। आप स्वतः सुख स्वरूप हो, भूल जाइए कि आप राजा हैं, भूल जाइए कि कोई आपका मित्र या शत्रु है। जैसे निद्रा में सब भूल जाते हैं तो शरीर की थकान मिटती है, ऐसे ही सब भूल जाइए। आप परम शांत स्वरूप हो, सुख के लिए कहीं जाना नहीं है, इसी क्षण आनंद है, इसी क्षण सच्चा सुख है। जहां से लक्ष्मी, विद्या और शक्ति को भी सत्ता मिलती है, उसमें डूब जाइए। आप स्वतः सुख स्वरूप हो, जैसे निद्रा में सब भूल जाते हैं तो शरीर की थकान मिटती है, ऐसे ही सब भूल जाइए। आप परम शांत स्वरूप हो, सुख के लिए कहीं जाना नहीं है, इसी क्षण आनंद है, इसी क्षण सच्चा सुख है। माँ, बहुत अच्छा लग रहा है, अपार शांति और आनंद मिल रहा है। राजन, अच्छा लग रहा है इसको भी भूल जाओ। नीति 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 न किंचिदपि चिंतये, चित्त की विश्रांति प्रसाद की जननी है। पूर्ण विश्राम, निसंकल्प। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है माँ, थकान मिट रही है। वत्स, इसी के लिए योगी लोग राजपाट, यश वैभव छोड़कर यत्न करते हैं। भक्त भी अंत में इसी अवस्था को प्राप्त होते हैं। ज्ञानियों का उद्गम स्थान भी यही है। आप पर गुरुजनों की कृपा है, इसलिए इस परम शांति का आप अनुभव कर रहे हैं। हे विश्रांति देवी, आप श्रेष्ठ हैं। हम तीनों धन, विद्या, शक्ति, इन मिथ्या चीजों को ही श्रेष्ठ मान रही थी, मगर वास्तविक सुख तो आत्मा में विश्रांति पाने से ही मिलती है। हे माता, आपने जिस परम विश्रांति की अनुभूति मुझे करवाई है, क्या वही विश्रांति प्रत्येक मनुष्य प्राप्त कर सकता है? और वो उसे कैसे मिलेगी? हाँ राजन, परम विश्रांति पाने का सभी को अधिकार है, और इसे पाने का श्रेष्ठ उपाय है ब्रह्मवेता सद्गुरु की शरण, उनसे मिले गुरु मंत्र का जप और उनके दिखाए मार्ग पर चलना। और वे लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसे सद्गुरु मिलते हैं। अरे काल देवता, इतना तो बताओ कि ब्रह्मवेता सद्गुरु कैसे वास्तविक सुख प्रदान करते हैं? बेताल, सद्गुरु नश्वर और शाश्वत का विवेक जगा देते हैं,
वे सच्चे सुख को पाने की कला सिखा देते हैं, जिससे मनुष्य अपनी महानता को जानकर मुक्त हो जाता है। फिर उसे कस्तूरी मृग की तरह सुगंध की तलाश में इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। साधारण मनुष्य बचपन से बुढ़ापे तक सच्चे सुख के लिए दौड़ता रहता है, पर वो उसे सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता और अंत में सब इकट्ठा किया हुआ छोड़कर मर जाता है। मगर जिसने ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु की कृपा पाई है, वो सदा सच्चे सुख और विश्रांति में रहता है तथा अपने मुक्त स्वरूप को जान लेता है, आत्म साक्षात्कार कर लेता है। फिर तो अवश्य ही ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु की शरण प्राप्त करनी चाहिए। मगर महोदय, मैं यह सोच रहा हूँ कि राजा विक्रमादित्य के समय में तो ऐसे सद्गुरु मिल जाते थे, परंतु परंतु क्या क्या इस कलयुग में भी ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु मनुष्य को मिल सकते हैं? हाँ बेताल, इस भीषण कलयुग में जहाँ पाप और अनाचार का बोलबाला है, ऐसे में एक महापुरुष इस धरती पर विद्यमान है जो स्वयं कलयुग की बुराइयां, निंदा और आरोप झेलते हुए भी मनुष्य को सच्चे सुख की ओर ले जा रहे हैं। उनके सानिध्य में लाखों करोड़ों लोग अपने आत्मा में विश्रांति पा रहे हैं, दुर्व्यसनों और कलयुग के प्रभाव से बच रहे हैं। महाशय, मेरी जिज्ञासा को और मत बढ़ाइए। आखिर कौन है वे महापुरुष? वे महापुरुष हैं ब्रह्मवेत्ता परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू, जिन्होंने इस धरती पर मानव को अपनी महिमा में जागृत करने के लिए अवतार लिया है। धन्य है ये भारत भूमि जो सदैव ऐसे ज्ञानी महापुरुषों का सानिध्य पा रही है। वावा, वावा। धन्य है उनके साधक भक्त जो ऐसे सच्चे सुख में जगे हुए महापुरुष का सानिध्य पा रहे हैं और उनसे गुरु मंत्र की दीक्षा लेकर जप कर रहे हैं। आप सब भी ऐसे मिले हुए सुअवसर को व्यर्थ ना गवाएं और पूज्य बापू जी की शरण में जाकर सच्चा सुख पाएं। फिर से जोरदार तालियां इस नाटिका के लिए। पूज्य बापूजी के श्री वचनों को, पूज्य बापूजी के कथन को मंच पर आके सहज और सरल रूप में बच्चों को भी समझ में आए, इस तरह विद्यार्थियों ने पुरुषार्थ करके उसे प्रस्तुत किया। इनके पुरुषार्थ को खूब खूब साधुवाद। और बापूजी ने ये राजा विक्रमादित्य का प्रेरणा प्रसंग सुनाकर न केवल विद्यार्थियों को पर लाखों करोड़ों को सच्चे सुख का बोध करवाया। ऐसे बोध दाता मेरे सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन।